ये सूत्रों के हवाले से खबर है, बदले जा सकते हैं पंजाब के नव नियुक्त एजी और दीपेंद्र पटवालिया की जगह अनमोल सिद्धू को बनाया जा सकता है पंजाब का एजी। दीपेंद्र पटवालिया की फाइल वापस मंगवाई गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के नव नियुक्त एजी को बदला जा सकता है, दीपेंद्र पटवालिया की जगह अनमोल सिद्धू को पंजाब का नया एजी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एजी की नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दीपेंद्र पटवालिया की जगह अनमोल सिद्धू को पंजाब का एजी बनाया जा सकता है। दीपेंद्र पटवालिया की फाइल वापस मंगवाई गई है, तो ऐसे में अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि एजी की नव नियुक्ति के बावजूद भी उन्हें हटाया जा सकता है और उनकी जगह दीपेंद्र पटवालिया की जगह अनमोल सिद्धू को पंजाब का एजी बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब में जैसे ही ये सारा परिवर्तन देखने को मिला है, सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है, उसके बाद एक के बाद एक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। कई पदों पर जो अधिकारी हैं उन्हें बदला जा रहा है, अब पंजाब के एजी को भी बदला जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि पंजाब के नव नियुक्त एजी को बदला जा सकता है। दीपेंद्र पटवालिया की जगह अनमोल सिद्धू को पंजाब का एजी, दीपेंद्र पटवालिया की फाइल वापस मंगवाई गई है। नितिका महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई है। नितिका, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि हाल ही में नियुक्ति हुई थी एजी की दीपेंद्र पटवालिया की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अनमोल सिद्धू को बनाया जा सकता है नया एजी। बिल्कुल आपको बता दें कि ये जानकारी सामने आ रही है कि जो फाइल है वो वापस मंगवा ली गई है और कुछ और वकीलों के नाम जो हैं वो मंगवाए गए हैं, क्योंकि पहले ये जानकारी सामने आ रही थी, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो सामने नहीं आई थी। और ये जानकारी सामने आ रही थी कि दीपेंद्र पटवालिया को जो है न्यू एजी बनाया गया है, और क्योंकि अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू के कई केसों की पैरवी जो है वो दीपेंद्र पटवालिया कर चुके हैं, इसके साथ ही मोहम्मद मुस्तफा उनके भी जो डीजीपी से जुड़ा हुआ केस था उसमें भी मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से पैरवी कर चुके हैं दीपेंद्र पटवालिया, तो यही लग रहा था कि उनको एजी जो है वो बनाया जा सकता है। और कल नाम की चर्चा भी जो है वो सामने आई थी, लेकिन नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो अभी तक इशू नहीं हुई थी, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि वो फाइल जो है वापस मंगवाई गई है और कुछ और वकीलों के नाम जो है वो मांगे गए हैं। तो अब भी ये जानकारी सामने आ रही है कि अनमोल सिद्धू, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है कि उनको भी पंजाब एजी लगाया जा सकता है। नितिका, क्योंकि अब कहा गया है कि दीपेंद्र पटवालिया की फाइल जो है वो वापस मंगवाई गई है, कोई कारण, कोई खास वजह फिलहाल निकल कर सामने आई है? देखिए, अभी कोई ऐसी खास वजह निकल कर सामने नहीं आई है। अगर बात करें, दोनों ही सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन जो है इतनी जानकारी जरूर है कि फाइलें जो है वापस मंगवाई गई हैं और लिस्ट जो है वो मांगी गई है एडवोकेट की। लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि आज ही नए एजी के नाम की जो है, नए एजी के नाम का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। नितिका, क्या ये समझा जाए, क्योंकि जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री बने हैं, जैसे ही पंजाब में पूरा यह सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, जो बदलाव हुआ उसके बाद एक के बाद एक इस तरीके के जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें हटाया जा रहा है, नई नियुक्ति की जा रही है। बिल्कुल, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं खासतौर पर उनको हटाया गया। अगर बात करें पंजाब एजी अतुल नंदा की, तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा जो है वो दे दिया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और जो एजी पंजाब रहे अतुल नंदा, उनकी पत्नी की अगर बात की जाए, वो डबल एजी थी, उनकी तरफ से कुछ महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया गया था। तो कह सकते हैं कि जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार फेरबदल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर राजनीतिक उस स्तर पर हो। लेकिन ये भी जरूर है कि एजी पंजाब कौन होगा, इस पर जरूर सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि पंजाब में करीब 70,000 जो है, बताया जाता है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से अगर बात करें तो हजारों में एडवोकेट्स हैं। तो अगर पंजाब एजी की बात की जाए तो कई मामले जो हैं उसको लेकर अतुल नंदा पर सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो बरगाड़ी बेअदबी से जुड़ा हुआ मामला हो, बहपल कला गोलीकांड का मामला हो, कोटकपुरा फायरिंग केस का मामला हो, या फिर पीएपी की बात की जाए,
तो इस तरह के कई मामले हैं जिसको लेकर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, इलीगल माइनिंग केसेस की बात की जाए, तो लगातार जो है अभिनंदा पर सवाल उठाते रहे हैं विरोधी। और साथ ही कांग्रेस के ही कुछ मंत्री और जो वकील हैं वो अतुल नंदा पर सवाल उठाते रहे हैं और बार बार उनकी तरफ से ये कहा गया कि इनको हटाया क्यों नहीं जाता है। लेकिन अतुल नंदा कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी ज्यादा करीबी थे और उनका कहना था कि जितनी ओपिनियंस मैंने दी हैं सरकार को आज तक किसी एजी ने नहीं दी होंगी। लेकिन आपको बता दें कि अब क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद अतुल नंदा ने भी इस्तीफा दे दिया था, इसलिए अब ये देखना होगा कि किसको न्याय एजी जो है वो लगाया जाता है। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी रहेगी क्योंकि जिस तरह से हमने कई मामलों का जिक्र किया वो मामले ज्यादातर कोर्ट में पेंडिंग थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नितिका तमाम जानकारी के लिए। तो यह बड़ा फेरबदल और बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल जा सकता है। पंजाब के नवनियुक्त एजी को बदलने की बातें भी अब एक बार फिर से सामने आने लगी हैं।